बदरी शिवाय फिल्म प्रोडक्शन की ओर से बच्चों और माताओं के लिए मिस मिसेस किड्स ग्लोबल फैशनिस्टा नेशनल 2021 का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी डायरेक्टर नेहा सिंह ने दी। इस दौरान उन्होंने इस संपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानकारी साझा की, जिस वक्त उन्होंने बच्चों और माताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की भी अपील की। जी नमस्कार, मेरा नाम नेहा सिंह है, ये आर्यन पांडे है और ये कुलदीप शिकने सर है। KGF किड्स ग्लोबल फैशनिस्टा विथ मॉम एंड मिस, और इसके एज क्राइटेरिया है 4 साल से लेके तो 45 साल तक के, जिसमें मॉम्स भी है, टीनेजर्स भी है और बच्चे भी है। इसका जो फिनाले है वो गोवा में होने वाला है 26, 27 और 28 अगस्त को। ये नेशनल लेवल पेजेंट है तो ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट आ रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं इसमें, ऑडिशंस जो गुजरात के ही बचे हुए हैं, बाकी हर जगह के ऑडिशंस हो चुके। ग्रूमिंग चार्जेस है 25,000 और जिसको ग्रूम करेंगे प्रियंका पॉल, मिसेस यूनिवर्स जो है, और इसके जो चीफ ज्यूरी है वो रहेंगे मिस्टर प्रदीप पाली जी, गुरु एम शर्मा जो जी म्यूजिक के डायरेक्टर है, और रोशनी कौर जो मिका सिंह की भतीजी है। जी बस मैं यही बताना चाहूँगा, किड्स ग्लोबल फैशनिस्टा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जिसमें म्यूजिक एल्बम है, वेब सीरीज है और एक हमारा फीचर फिल्म बहुत जल्दी आने वाला है, जिसका पोस्टर हम लोग रिलीज़ करेंगे विनर्स के अनाउंसमेंट के दिन। बख्शी फीचर फिल्म है जो बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ हम लोग मैगजीन शूट करेंगे बहुत जल्द इसके साथ, किड्स ग्लोबल फैशनिस्टा। और इसमें जो हमारे मेन जो अभी आपके सामने है कुलदीप चिकाने जी, ये हमारे योगा प्रोफेशनल योगा टीचर हैं किड्स ग्लोबल फैशनिस्टा में। ट्रेंड चल रहा है कि सारे एक्ट्रेस जो सिक्स पैक्स है और जितना वेट लूज कर रहे हैं, जैसे भूमि पेडनेकर हो गया, अपना सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, तो वो मैं जो जितने भी मॉडल्स हैं उनको कुछ फिटनेस टिप्स और योगा टिप्स देना चाहूँगा। और अभी इसके बाद ये मैं इस प्रोडक्शन हाउस से, फिल्म प्रोडक्शन हाउस से मैं जुड़ चुका हूँ और इसके बाद हम और एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि बाहुबली मिस्टर इंडिया 2020 का टाइटल्स रहेगा। बहुत बड़ा ग्रैंड बॉडी बिल्डिंग शो होने वाला है जो कि हम नागपुर में नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा।